जय श्री कृष्णा। अगहन मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो मोक्षदा एकादशी 4 तारीख को रखा जा रहा है, दिन रविवार है। तो आज कथा इस तरह से है, जिसको सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है उसका नाम मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण कर लेती है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप बस नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विज, तुम वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बरताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उस मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं, अतः बताइए मैं उनके लिए क्या करूं, जो कि छुटकारा उनको हो जाए। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनके नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण
करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो राधे राधे दोस्तों, 4 तारीख को दिन रविवार को ही ये व्रत रखा जा रहा है। एकादशी व्रत 4 तारीख को है, 3 को भी रख रहे हैं कुछ लोग 4 को रख रहे हैं। तो 4 को जो भी व्रत रखेगा वो 5 तारीख के 6:10 के बाद ही पारण करेगा। 6:10 के बाद 9 बजे तक बीच में ही पारण करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।